तो सुबह से धूप खिली है, मस्त बारिश बिरिश बिल्कुल भी नहीं हुए, लेकिन दोपहर के बाद बोल नहीं सकते, मतलब अभी थोड़े टाइम के बाद। हे यूट्यूब फॅमिली फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। नमस्कार मंडळी, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या चॅनलमध्ये। तो गाईज, आज का क्लायमेट एक नंबर है। सुबह से मतलब मस्त वाली धूप खिली है, देख सकते हो मैं काला काला दिख रहा हूँ, लेकिन एडजस्टमेंट्स, मस्त वाली धूप खिली है। लेकिन दोपहर के बाद हल्की हल्की ड्रिजल होना चालू होती है, उसके बाद भगवान एकदम से ऐसे रुद्र रूप में आ जाते हैं और एकदम खतरनाक वाली बारिश हो जाती है शाम को। तो एकदम से अभी कोट करना कि अच्छा क्लाइमेट है ये सही नहीं रहेगा। एनीवेज गाइस, तो अनलॉक 4.0 चालू हो चुका है, मतलब 4.0 है कि नहीं मुझे पता नहीं, कितने सारे अनलॉक हुए, डोंट कोट मी ऑन दैट। तो उसमें आज ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि ई पास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हो। अब ये चीज़ अच्छी है या बुरी है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, और ये मेरा छोटा सा लाइट सेटअप, तो पता नहीं, कुछ लोग बोलेंगे अच्छी है, कुछ लोग बोलेंगे बुरी है। एनीवेज, अपन तो इतना ट्रैवल करने नहीं वाले, लेकिन अपन ट्रैक जरूर करेंगे। और ट्रैक से याद आया कि जितने ज़्यादा एंगल्स मैं यूज़ करूँगा शूट करने के लिए, उतना ज़्यादा आप लोगों को थ्रिलिंग और उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसीलिए मैंने अपने जो एक्शन कैम है उसके लिए एक्सेसरीज ऑर्डर किए, हेड माउंट, चेस्ट माउंट, ये सब। एक 30-in-1 का पैक था, तो मैं वो ही मैंने डायरेक्टली ऑर्डर कर दिया। तो आप देखते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो वो अभी जस्ट डिलीवर हुआ है अमेज़न से, अपन ने खुद ने लिया है वैसे। तो अभी देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, आप लोगों के सामने मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। और अगर आप लोग भी लेना चाहो तो मैं, अगर अच्छा रहेगी क्वालिटी तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। वैसे तो अच्छी डील में मिला है, मतलब जो जो चीज़ें हैं इसमें 30-in-1 में जो जो दिखाई गई थी वो, उसका डील अच्छा मिला है मेरे को। लेकिन अभी डिपेंड करता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी अच्छी रहेगी तो अच्छी बात है। वो तो इतनी सारी एक्सेसरीज मिली है, तो एक एक करके सब दिखा तो आप लोगों को। सबसे पहले है ये चेस्ट माउंट, तो इसके साथ पहले ही जे हुक अटैच्ड है, देखो आप लोग, मतलब इसको आप लोग डायरेक्टली कैमरा फिट कर सकते हो। तो इसको पहन के देखते, पहले तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, स्ट्रेचेबल स्ट्रैप्स है, अच्छी क्वालिटी है। प्लास्टिक इतना टॉप नॉच नहीं है, लेकिन डिसेंट क्वालिटी है, जो कि प्रिफरेबल है, मतलब आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी है। इसको पहन लेते, अच्छा फिटिंग भी मस्त है, टाइट फिटिंग। और यहाँ पे एक बकल है, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट रिलीज कर सकते हो इसको, ये मेरे ध्यान में ही नहीं आया पहले। अच्छा फिट है और ये स्ट्रेचेबल है, इसलिए ये फर्म फिट मिलता है आप लोगों को। नेक्स्ट चीज़ है ये हेड स्ट्रैप, तो इसमें भी एक अच्छी फीचर है, ये देखो आप लोग देख सकते हो, इसमें सिलिकॉन जैसा कुछ, रबरी फिनिश जैसा कुछ तो है, जिससे आपको मतलब इसको ग्रिप मिलेगी सर पे। नहीं तो ये क्या होता है, मैंने माउंट्स देखे यूज़ भी किए तो क्या होते हैं, स्लिप होते रहते हैं, लेकिन ये उससे स्लिप नहीं होगा। इसको भी पहन के देखते हाँ। तो ये ऐसे कुछ यहाँ पे आप लोग इसको माउंट कर सकते हो ऐसे, और ब्लॉक कर सकते हो। इसके बाद और एक माउंट है जो कि है रिस्ट माउंट, किधर गया अरे, तो ये रहा रिस्ट माउंट। इसको आप लोग अपने रिस्ट पे लगा सकते हो, मतलब कुछ अगर आप लोग डाइविंग वगैरह कर रहे हो तो ये वाला व्यू आपको मिल सकता है। इसको इजीली आप लोग ऐसे करके यहाँ से डालो, और वेलक्रो के साथ आता है, बेस्ट चीज़। यहाँ पे फिट हो जाएगा ऐसा, और इसको बस स्ट्रैप ऑन कर दो, यहाँ पे कैमरा फिट हो जाएगा। तो ये एक हो गया, मतलब ये तीन माउंट हो गए, रिस्ट माउंट, हेड माउंट और ये चेस्ट माउंट। इसके साथ और आप लोग को ये विंड स्क्रीन जो होती है बाइक की, विंड स्क्रीन या फिर जो कार्स होते हैं उनकी जो फ्रंट स्क्रीन होती है, उस पर आप लोग इसको ईजिली अटैच कर सकते हो। तो ये एक, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, देखो प्लास्टिक जो भी यूज़ किया है ना, मतलब वो डिसेंट क्वालिटी का प्लास्टिक है, अच्छा खासा। और इसमें तीन पॉइंट्स है, मतलब एक तो यहाँ से मूव होता है, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग ये जो बकल्स होते हैं, जो माउंट्स होते हैं, मतलब ये जो जे माउंट है ये डायरेक्टली यहाँ पे फिट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग अपना कैमरा यूज़ कर सकते हो, या फिर इसके साथ और एक्सेसरीज आते हैं जिससे आप लोग अपना फ़ोन भी अटैच कर सकते हो।
तो ये एक माउंट हो गया। और नेक्स्ट चीज़ है ये दो, मतलब ये है बाइसिकल माउंट, ये आप लोगों को पता होगा बाइसिकल के हैंडल बार में आप लोग यहाँ पे फिट कर सकते हो ये दो स्क्रूज को लूज करके। और ये हैंडल बार माउंट ये आप लोग बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो, जब सिंपली ये ऐसे ओपन हो जाता है बाइक के हैंडल में बैठ जाएगा और यहाँ से आप लोग लॉक कर सकते हो। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, टू वे मूविंग मिलता है आप लोग को, एक तो ये यहाँ पे ऐसे और एक यहाँ से, मतलब यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली अपना जो कैम है वो फिट कर सकते हो, या फिर मोबाइल का जो होल्डर होता है वो यहाँ पे फिट करके मोबाइल भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी होगी। एनीवेज ये दो चीज़ें हो गए। एक चीज़ ये मुझे पता नहीं कि ये क्या है, मतलब ये शायद से मुझे लगता है कि बैक के जो शोल्डर स्ट्रैप होते हैं उस पर आप लोग इसको माउंट कर सकते हो, और फिर जो जे हुक है वो यूज़ करके कैम को माउंट करने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। इसके साथ आपको ये जो हेलमेट माउंट्स होते हैं, कर्व माउंट्स है, दो कर्व माउंट्स और दो प्लेन माउंट्स मिले, और इनके जो 3M के टेप्स है वो भी सेपरेटली मिले। तो इन माउंट्स के साथ साथ आप लोगों को और भी कुछ एक्सेसरीज मिलती है, जैसे कि ये स्क्रूज हो गए माउंट करने के लिए, और ये दो जो है इससे आप लोग अपने कैमरा का एंगल जो है वो और एडजस्ट कर सकते हो। तो ये दो और भी एक्सेसरीज है। इसके साथ ये एक फ्लोटिंग वाला मिलता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप लोग पानी में अपना कैम यूज़ करते हो और डरते हो कि कैम डूब जाएगा तो इसके मदद से वो फ्लोट करके रहेगा और डूबेगा नहीं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यूज़ कर सकते हो। इसके साथ एक ये लैनियर्ड मिलता है जो कि आप लोग हाथ में पहन सकते हो, और एक सेल्फी स्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फी स्टिक मिलती है, जिसके ऊपर ये वाला थ्रेडिंग वाला स्क्रू है जिसपे ये चीज़ जो होती है ये अटैच करके आप लोग अपना कैम यूज़ कर सकते हो। ये भी इसके साथ दो चीज़ें मिली है। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ये चीज़ मिली है ये क्या है, देखो ये नरम नरम है, पता नहीं ये क्या है। और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ये दिख रहा है क्या, ये क्या है क्या मालूम। और ये बैग तो ये थर्ड क्लास है, मतलब इसका कुछ उपयोग ही नहीं है। तो घर में बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा था, गर्मी हो रही थी, फ़ैन लगा नहीं सकते क्योंकि माइक में आवाज़ आएगी, इसलिए मैं आ गया हूँ टेरेस पे। आज बारिश एकदम अपने पे मेहरबान है, बिल्कुल भी बारिश नहीं, शाम होने का भी मैंने स्टार्टिंग वाले क्लिप में बताया था कि शाम होते होते बारिश आना चालू होती है, लेकिन आज बिल्कुल भी कोई भी निशान नहीं है। तो चलो एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ आर एक्सेसरी, तो मैंने जो पैकेज खरीदा है वो है 30-in-1 वाला पैकेज, विच कॉस्टेड मी अराउंड 1100 rupees का था। परफेक्ट अमाउंट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1100 के बीच में, 1000-1100 के बीच में ही था। तो 1100 के प्राइस रेंज में इतनी सारी एक्सेसरीज और उनकी क्वालिटी, तो वर्थ डील है। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग चाहते हो तो वहाँ से आप लोग खरीद सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि टॉप नॉच क्वालिटी तो नहीं मिल रही है, देखो टॉप नॉच क्वालिटी 1000 rupees में आप लोग को इतने सारे एक्सेसरीज तो मिलेंगे ही नहीं, माउंट्स तो मिलेंगे ही नहीं, चेस्ट माउंट हो गया, हेड माउंट हो गया, रिस्ट माउंट हो गया, या फिर जो हैंडल बार माउंट्स है उनकी कीमत, मतलब एक एक लेने जाओ ना तो 300-400, मतलब क्वालिटी के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन जो इसमें मिल रहे ना अच्छी खासी क्वालिटी है, मतलब एकदम टॉप नॉच नहीं लेकिन उससे थोड़ा सा कम बोल सकते, और ये बियरेबल है, मतलब यूज़ कर सकते हो, ऐसी वाली क्वालिटी एकदम भी थर्ड क्लास क्वालिटी नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को सजेस्ट ही नहीं करता। तो कंसिडर कर सकते हो बाय करना, क्योंकि आपका भाई बोल रहा है, स्पॉन्सर्ड नहीं है कुछ नहीं, इससे मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन पता है मुझे कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो कि GoPro की एक्चुअल जो एक्सेसरीज आती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, और उनको ख़रीदना मतलब बहुत ही माथाफोड़ी होती है, तो उससे अच्छा ये पैकेज अच्छा है। आप लोगों के पास और भी ऑप्शंस होंगे, मतलब 40-in-1 या फिर 50-in-1 ऐसे कुछ और भी ऑप्शंस है उनके पास, तो वहाँ से आप लोग और भी खरीद सकते हो। तो गाइस ये व्लॉग इतना ही था, मुझे बस आप लोगों को वो चीज़ बतानी थी, क्योंकि वो अच्छी डील में मिल रहा है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने किया। तो यही सब था ये व्लॉग के लिए, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि अपन लोग हर एक टाइप का कंटेंट अपने चैनल पर ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करो, नहीं आए तो बताओ कमेंट करके कि आप लोगों को क्या पसंद नहीं आया और मैं उसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो यही सब था ये वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, और सबसे ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई मीन इट। तो साइनिंग ऑफ हेमंत राउत, बाय बाय।